एक ऐसा सीक्रेट थिंकिंग मेथड है जो इलॉन मस्क यूज करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसे यूज नहीं करते। इसलिए इलॉन कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पर लोगों से एक कंपनी नहीं खुलती और ये एकदम अनकन्वेंशनल आइडियाज में भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो सीक्रेट थिंकिंग मेथड क्या है? वो है थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। यू ट्रेन टू थिंक अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड दैट अबाउट सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स एनालिसिस ऑफ अ रॉकेट जस्ट ब्रोक डाउन द मटेरियल्स दैट इज गुड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ the physics approach for first principles did a first principles analysis of what would be most optimal it's important to reason from first principles rather than by analogy exactly to ye bahut important video hai un sab ke liye jo apne thinking method ko change karna chahte hain aur hum first principles ko is video mein detail mein samjhenge lekin isse pehle hum ye dekhte hain ki log elon musk mein interested hai kyun to elon ek aise insaan hai jinhone paypal banayi thi जो कि एक इंटरनेट कंपनी थी पेमेंट्स ट्रांसफर करने के लिए, जिससे उन्होंने 180 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए थे। उसके बाद उन्होंने दो ऐसी कंपनीज खोली जो बिल्कुल ही उनके एक्सपीरियंस से अलग थी, जिसमें पहली कंपनी थी स्पेसएक्स, जिसका गोल था कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं। अब हम में से कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ यार हमें पता है स्पेसएक्स के बारे में, लेकिन ये एक ऐसा काम था जो कंट्रीज भी कर नहीं पा रही थी। इसके बावजूद इलॉन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा और सबके मना करने के बावजूद एक इंटरनेट गाय ने एक प्राइवेट कंपनी खोल दी और पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए गए। और ये काम अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस भी नहीं कर पा रही थी। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी ह्यूमंस के लिए। और अगर आप ऐसे सोचें कि आपको एक स्पेस कंपनी खोलनी होती तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा करेज चाहिए ऐसा स्टार्टअप खोलने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी इलॉन ने खोली थी वो थी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। एक्चुअली इन दोनों कंपनीज का मेन गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि ये ह्यूमंस की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया गया था। एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम अर्थ की पास्ट 500 सालों की हिस्ट्री देखें तो इसमें ही पांच ऐसे मेजर इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से अर्थ में रह रही सारी स्पीशीज एकदम खत्म हो गई थी। जैसे कि 445 मिलियन साल पहले बहुत जल्दी ग्लेशियर्स बन रहे थे, जिससे 60-70% मरीन लाइफ खत्म हो गई थी, जिसे हम ऑर्डोविशन एक्सटिंक्शन बोलते हैं। रिसेंटली 66 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स एकदम खत्म हो गए थे, जिसे हम क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं, जिसके बाद ही हम इंसान होमो सेपियंस इस धरती पर आए। अब ये सोचना कि यार सिक्स्थ एक्सटिंक्शन नहीं होगी और हम इंसानों को कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफी है। इलॉन के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी होना ही पड़ेगा और इसी गोल से उन्होंने स्पेसएक्स खोली थी, ताकि हम कम से कम मार्स में जा सके। अब हम में से कई लोगों को लगता है कि अगर कल को ये टेक्नोलॉजी बन भी गई तो भी मैं तो स्पेसएक्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन ह्यूमंस की हर इन्वेंशन ही रिस्की लगती है। इवन अगर हम एयरप्लेन्स को ले लें तो एयरप्लेन में उड़ना भी बहुत रिस्की है। हमें क्या पता कल को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए और प्लेन क्रैश कर जाए। इलॉन को दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी फॉसिल फ्यूल्स। इलॉन ने सोचा कि आज जितनी भी इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट चल रही है वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल की मदद से हो रहा है, और हम तीन तरह के फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। फिर इलॉन ने सोचा कि फॉसिल फ्यूल को यूज करने की दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि फॉसिल फ्यूल जल्द ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल बनने के लिए 300 मिलियन साल लगे थे। हुआ ये था कि 300 मिलियन साल पहले उस वक्त के प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद उनके रिमेन्स जो दबे रह गए उसमें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, जिसे आजकल हम गाड़ियां चलाते हैं। अब ये रिसोर्स इन्फिनिट तो है नहीं, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई रिसोर्सेज बोलते हैं कि ऑयल 2050 तक, गैस 2060 तक और कोल 2085 तक खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे चलो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, गाड़ियां और इंडस्ट्रीज ही नहीं चलेंगी बस। मगर एक और प्रॉब्लम है जिसके लिए इलॉन ने टेस्ला कंपनी खोली थी, वो ये है कि जब जब हम फॉसिल फ्यूल्स यानी ऑयल या कोल को जलाते हैं उससे CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर 6-10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो ओशियन का लेवल 200 मीटर तक बढ़ सकता है, और अगर अर्थ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो अर्थ की मैक्सिमम फसल और जानवर खत्म हो जाएंगे। इन शॉर्ट लाइफ खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब लाल फरारी के जो सपने हम देखते हैं उसमें डलना तो फॉसिल फ्यूल ही है, और फॉसिल फ्यूल का रिजल्ट ये है। हम इस केस में बिल्कुल कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनके सामने अगर बहुत सारा खाना रखा जाए तो वो उसे तब तक खाते रहेंगे जब तक वो मर ना जाए। और क्या हम फॉसिल फ्यूल्स को भी तब तक यूज करते रहेंगे
जब तक हम ह्यूमंस एकदम खत्म ना हो जाएं। कई लोग सोचते हैं कि यार टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इलॉन का कहना है कि ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप नहीं बढ़ती। बहुत से मोस्ट इंटेलिजेंट लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। तो इलॉन ने सोचा कि हम जल्दी ही किसी और रिसोर्स से एनर्जी लें, और इसका पहला सोल्यूशन था इलेक्ट्रिक कार, कि हम फॉसिल फ्यूल्स के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से कार चलाएं और उसे चार्ज करें सोलर पैनल्स की मदद से, जो कि एकदम क्लीन एनर्जी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिमम कार कंपनीज टेस्ला से पहले इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रही थी। उन्हें क्या था, सब पेट्रोल वाली गाड़ियां खरीद रहे हैं, इनोवेशन में पैसा बर्बाद क्यों करें। लेकिन टेस्ला की सक्सेस के बाद BMW, निसान, शेवरले, फोर्ड, वोक्सवैगन सब इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगे, और ये इसलिए हुआ क्योंकि इलॉन को दुनिया को चेंज करना है, ना कि सिर्फ बिजनेस करना है। जब एक बार इलॉन से पूछा गया कि उनका बिजनेस प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई बिजनेस प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, इलॉन इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि कई बार रात को वो अपनी कंपनी के एक पतले से काउच में सो जाते हैं या फिर नीचे फ्लोर में, और ये इंसान एक बिलियनर है। अब the couch was too narrow. Yeah, I was gonna say. And Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch either. No, it's terrible. This is not a good couch. मेन सवाल आता है कि क्योंकि इलॉन मस्क बहुत हार्ड वर्किंग है, क्या इसलिए वो इतने बड़े आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत इलॉन मस्क होते। डिफरेंस है उनके सोचने के पैटर्न में, जो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं सोचने के लिए। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा कैसे जाता है। हम इंसान दो तरीके से सोचते हैं, एनालॉजी या फर्स्ट प्रिंसिपल। इन शॉर्ट, जब हम एनालॉजी से सोचते हैं तो हम जो ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट करता है या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनसे नए कंक्लूजन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन बचपन से आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला है एनालॉजी, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप सोचोगे, यार मेरे कितने सारे फ्रेंड्स थे जो मेरी तरह हिंदी स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए कोर्सेज भी किए, लेकिन हुआ क्या, वो नहीं सीख पाए। इसका एक ही मतलब है कि लैंग्वेज जो बचपन में सीख गया वो सीख गया, बड़े होके नहीं सीख सकता। लेकिन अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस हैं जिसमें अलग अलग टाइप की आवाजें निकालनी पड़ती हैं। क्या मैं तोतला हूँ या गुआ? नहीं, इसका मतलब है कि मैं किसी भी तरीके की आवाज निकाल सकता हूँ। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है इंग्लिश हो या स्पेनिश, मैं कोई भी लैंग्वेज सीख सकता हूँ, बस कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम ज्यादा अच्छे और क्लियर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए इतने छोटे फैक्ट्स में चले जाते हैं जो हमें पता होते हैं कि ये सच ही है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क बोलते हैं कि मान लीजिए आपको बैटरीज बनानी है, तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप एनालॉजी से सोचते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बैटरीज बड़ी महंगी आती हैं, चाहे हम किसी भी सप्लायर से क्यों ना लें, इसे बहुत सस्ता नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो हम ये कहेंगे, अच्छा एक बैटरी में होता क्या है। एक बैटरी में कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और एक स्टील कैन है जिसमें ये सारी चीजें बंद है। अगर मैं इन्हें मार्केट से खरीदूं तो ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, और अगर मैं इन सबको मिला के एक बैटरी बना दूं तो ये बहुत सस्ती मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचने में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे सीनियर्स और हमारे पेरेंट्स ने हमें इसी तरीके से ट्रेन किया है। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि पापा मुझे जूते क्यों पहनने हैं, तो उसके डैड बोल सकते थे कि तुम्हें ठंड लग सकती है, जिस पर बच्चा पूछेगा मुझे ठंड क्यों लगेगी, जिस पर उसके डैड बोल सकते हैं क्योंकि सीजन चेंज होते हैं। फिर वो बच्चा दोबारा से पूछ सकते हैं सीजन क्यों चेंज होते हैं, तो इस पर उसके डैड बोल सकते हैं क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, एंड सो ऑन। और फाइनली बच्चा फर्स्ट प्रिंसिपल पर पहुंच जाएगा, यानी वो नीचे जाते जाते ऐसे ट्रूथ में पहुंच जाएगा जहां से सारे फैक्ट्स कंक्लूजन्स निकलते हैं, जिसे हम अनडिनाइबल ट्रूथ बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब पेरेंट्स थके हुए होते हैं, बच्चा पेरेंट्स से पूछता है कि पापा मुझे जूते क्यों पहनने हैं, इस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से जूते पहनो बस, और सारी कॉन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। जब बार बार हमारे साथ ऐसा होता है तो बस हम ऑर्डर लेने के लिए प्रोग्राम हो जाते हैं, खुद की रीजनिंग ही भूल जाते हैं। और ये इवन रिसर्च प्रूव कर चुके हैं। 1960s में जॉर्ज लैंड नाम के रिसर्चर्स ने 1600 बच्चों पर क्रिएटिव टेस्ट किए थे, उनकी क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए, और हर 5 साल के बाद इन बच्चों का दोबारा क्रिएटिव टेस्ट लिया गया। जब बच्चे 5 साल के थे
तो इनमें से 98% बच्चों ने इस क्रिएटिव टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया था। जब ये बच्चे 10 साल के हुए तो सिर्फ 30% बच्चे इस क्रिएटिव टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। जब बच्चे 15 साल के हुए तो सिर्फ 12% बच्चे इस क्रिएटिव टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए और 25 साल में सिर्फ 2% बच्चे। इन शॉर्ट, सोसाइटी हमारी क्रिएटिविटी कम करती रहती है। अगर आप किसी भी अपने रिलेटिव से कोई सवाल पूछो तो उनमें से मैक्सिमम रिलेटिव्स हमें इस तरीके का आंसर देते हैं। मेरी दादी भी ऐसा ही करती थी। मीडिया भी यही बोलता है यार, हमारा रिलीजन यही कहता है, सालों से यही चला आ रहा है यार, एंड सो ऑन। इन शॉर्ट, कोई लॉजिकली हमें आंसर नहीं दे सकता। बहुत कम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं और साइंटिफिकली आंसर देते हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग ही दुनिया के कन्वेंशनल तरीके को अपने लॉजिकल माइंड से चैलेंज कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इलॉन मस्क कॉन्शियसली जानते हैं कि सबसे क्लियर थिंकिंग मेथड है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम अपने से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उस स्टेटमेंट में चले जाते हैं जो हमें पता है कि गलत नहीं है, यानी उस टॉपिक के फर्स्ट प्रिंसिपल को पहचाने और फाइनली उस फर्स्ट प्रिंसिपल से लॉजिक को ऊपर बिल्ड करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनालॉजी से मैच आत्मनिर्भर हम तो पहले ही लोग से कर लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पर सोचूं, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं वैसे भी बुक्स को पढ़ता हूँ, उसे हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं।